फूलपुर कोतवाली अंतर्गत कला गांव निवासी दिनेश शुक्ला के पोते आदित्य शुक्ला का शुक्रवार को जन्मोत्सव था। इसमें शामिल होने के लिए दिनेश के भाई रमेश शुक्ला की 22 वर्षीय बेटी प्रियंका मायके आई हुई थी। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे बनगांव निवासी प्रियंका अपने भतीजे के लिए उपहार खरीदने उग्रसेनपुर बाजार जा रही थी। इस दौरान बरना की ओर से आ रहे ट्रक ने उसको रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ के पूरे खुशियाली निवासी चालक लल्लन प्रसाद पुत्र देवी प्रसाद की जमकर पिटाई की और ट्रक में आग लगा दी। अर्धकुंभ 2007 में जूना अखाड़े के शिविर में साधु शनिपुरी की हत्या करने का आरोपी उनका गुरु भाई परमेश्वरी पुरी उर्फ पंचम को मुंगेर स्थित एक मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पंचम वहां महिलाओं को गर्भवती होने के लिए भस्म देता था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। बिहार के बेगूसराय जिले के डीहा गांव निवासी परमेश्वरी पुरी उर्फ पंचम अपनी 9 बेटियों की शादी करने के बाद जूना अखाड़े में शामिल होकर साधु बन गए थे। 2007 में अर्धकुंभ के दौरान वे इलाहाबाद आए हुए थे। जूना अखाड़े में वे गुरु भाई बाबा शनिपुर के साथ ही रहता था। इस दौरान उनके शिविरों में चौकी और अन्य सामान की सप्लाई करने वाले हाशिम रजा उर्फ अमन से दोस्ती हो गई। एसएसपी माधव सुकृति ने बताया कि सप्लाई के दौरान करीब 2 लाख रुपए का बिल आया था। बिल चुकाने के लिए दोनों गुरु भाइयों की झड़प हो गई। परमेश्वरीपुरी और हाशिम ने मिलकर शनिपुरी की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए हाशिम को गिरफ्तार कर लिया। परमेश्वरी फरार था। गेल इंडिया की बरौनी जगदीशपुर गैस पाइपलाइन फूलपुर तहसील के भानेमऊ और बुआपुर आदि गाँवों से होकर गुजरी है। दोनों गांव के एक दर्जन किसानों ने उचित मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए 2 हफ्ते पहले काम रुकवा दिया था। हंगामा होने के डर से कंपनी के कर्मचारी चले गए थे। कंपनी की मांग पर गुरुवार को एसडीएम और नायब तहसीलदार भारी पुलिस बल और एक प्लांटून पीएसी के साथ पहुंच गए। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में काम दोबारा शुरू हुआ। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर लक्ष्मण पर्वत ने बताया कि बुआपुर और भानेमऊ के 15 किसानों को एतराज था, पर उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। ऐसे में आपत्ति निराधार थी। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली स्थित बड़नपुर गांव निवासी 38 वर्षीय इंद्रजीत अपनी बुआ के बेटे 28 वर्षीय रामकुमार के साथ बुधवार रात मऊआईमा में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। रात करीब 1:30 बजे वापसी के दौरान इलाहाबाद फैजाबाद राजमार्ग पर थाना पड़ाव चौराहे मऊआईमा बाजार पहुंचा तो सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक चला रहे इंद्रजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाते समय राम कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद कार समेत चालक फरार हो गया। लोगों से प्राप्त विवरण के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। खीरी थाना क्षेत्र के पवारी गांव निवासी सीताराम चौहान के घर बुधवार को लड़की की बारात और लड़के का तिलक आया हुआ था। गुरुवार सुबह बारात की विदाई के बाद औरतें आंगन में खाना बना रही थीं। अचानक तेजी से हवा आने से चिंगारी उठी और घर में आग लग गई। इसमें 70,000 रुपये के गहने, 30,000 रुपये के कपड़े और 65,000 रुपये नकद के अलावा घर की सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। आगजनी में शादी में आए हंडिया तहसील के एक रिश्तेदार विनोद सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। पूर्वा बाजार के ऊंचडी मार्ग स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक की शाखा में बुधवार रात चोर पीछे की दीवार फांदकर घुस गए। गेट में लटक रहे ताले को गैस कटर से काटकर अंदर घुसे चोरों ने तिजोरी काटने का काफ़ी प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। बाद में चोर वापस लौट गए। चोरी की सारी हरकत सीसीटीवी में कैद होती रही। सूचने पर पहुंचे थाना प्रभारी मेजा गजानन चौबे और सीओ मेजा उमेश शर्मा ने मौके का निरीक्षण किया। धरावल गांव से शाहपुर नेवादा बारातियों को लेकर जा रहा विक्रम दरी गांव के सामने पलट गया, जिससे उसमें सवार 10 लोग जख्मी हो गए। बुधवार रात 10:45 बजे हुई घटना की जानकारी पर पहुंचे आसपास के लोगों ने यूपी 100 को कॉल किया तो एम्बुलेंस पहुंची। घायलों को सीएचसी मेजा ले जाया गया।
सीएचसी में 3 की हालत नाजुक देख इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। राजापुर की ओर से देर रात एक लग्जरी कार तेज रफ्तार एजी ऑफिस की ओर जा रही थी। बीच रास्ते में सरोजनी नायडू अपार्टमेंट के सामने पेड़ से भिड़ने के बाद वो पलट गई। आसपास के लोगों ने कार को सीधा कर फंसे लोगों को बाहर निकाला। कार में लगा एयरबैग खुल जाने के कारण उनकी जान बच गई। जब पुलिस पहुंची तो कार सवार लोग खुद को अधिवक्ता बताते हुए पुलिस से भिड़ गए। दो ने भागने की कोशिश की। थाने में भी वो पुलिस को धमकाते रहे। पुलिस कार खींच कर थाने ले गई। करारी के बरई बंधवा की 25 वर्षीय अमरावती की शादी वर्ष 2013 में सराय अकिल थाना क्षेत्र के तिल्हापुर गांव निवासी राजू के साथ हुई थी। राजू के पिता बुधई इलाहाबाद के कॉलेज में चपरासी के पद पर तैनात हैं। रविवार रात सराय अकिल के तिल्हापुर में राजू, पत्नी अमरावती, 3 वर्षीय बेटी नैना और 1.5 वर्ष की सुनैना के साथ छत पर सो रहा था। रात करीब 1 बजे लाइट आई तो अमरावती बेटियों को लेकर नीचे चली गई। रात करीब 2 बजे के बाद राजू के घर से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी। मोहल्ले के लोग भागकर पहुंचे तो देखा कि बक्से में अमरावती और उसकी बेटियों की अजली लाशें पड़ी थीं। मृतका की मां चुनकी देवी और पिता खिन्नी लाल ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।